जो धर्म के विरोध चलेगा, जो माँ बाप की सेवा नहीं करेगा, जो देश की सेवा नहीं करेगा, जो भी पाप करेगा मैं उसको सजा दूंगा। इसलिए वो मृत्यु का दाता है और भगवान किसी को भी माफ नहीं करता है साहब। उसने अपने बच्चों को नहीं छोड़ा, अपने बेटे गणपति को भी मार डाला धर्म के विरोध। उसने अपने बच्चे कार्तिक को नहीं छोड़ा साहब। इसलिए भगवान विष्णु को कहा कि जब तुम मानव बनकर जाओ तो दुनिया को दिखाना कि पाप किसी को नहीं छोड़ता, सबको सजा मिलती है। और वही विष्णु राम बनकर आए, अपने बाप दशरथ को भी नहीं छोड़ा साहब। नहीं तो भगवान चाहते तो दशरथ को जिंदा कर सकते थे। जो व्यक्ति पत्थर में से एक स्त्री को पैदा कर सकता है वो अपने बाप को नहीं जिंदा कर सकता है। फिर भी भगवान ने कहा मेरे बाप ने पाप किया है, अपनी युवानी में एक अंधे मां बाप की लाठी सहारा था श्रवण, उसको मार डाला। उस बाप को भी सजा मिलनी चाहिए। और आपने सुना होगा कि दशरथ के चार बेटे थे, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। संधो ने साफ दिया था कि हमारा तो एक बेटा था, तुमने मार डाला। तुम्हारे चार चार बेटे होंगे और एक समय ऐसा आएगा कि जब तुम्हारी मौत आएगी तुम तड़प तड़प में मरोगे, तरस तरस के मरोगे, पानी के लिए तरसोगे, तुम्हें कोई पानी देने वाला नहीं होगा। और एक दिन वो आया, अंधई तापस सुधिया शंकर पार्वती को ये कथा सुना रहे। देवी भगवान विष्णु राम बनकर आए, अपने बाप को भी नहीं छोड़ा। और वही राम कृष्ण बनकर आए, अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ा, अपने भांजे को नहीं छोड़ा, अपने भाई को भी नहीं छोड़ा साहब। क्योंकि धर्मे रक्षतो रक्षता, धर्मे हनंता हनता। तुम अपने धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम अपने धर्म को छोड़ दोगे धर्म तुम्हें मार डालेगा। इसलिए अपना धर्म मत छोड़ो। तुम्हारे बाप दादा मूर्ति की पूजा करते हैं, तुम करो। तुम्हारे बाप दादा मंदिरों को पूजते, तुम करो। तुम्हारे बाप दादा साधु ब्राह्मण गाय के रक्षक थे, करो। ये तुम्हारा धर्म है। जो आदमी अपने धर्म को छोड़ता है उसको सजा मिलती है। इसलिए भगवान शंकर ने कहा देवी तुम्हें भी दंड मिलेगा, जगदम्बा को भी भोगना पड़ा। और आज वो ब्राह्मण, शिवरात्रि का समय है, बड़ी भूख लगी है, वृद्धावस्था आ गई, बचपन खेल में चला गया, युवानी ऐसो आराम में गया, बुढ़ापे में कोई नहीं रहा साहब, बुढ़ापे में कोई साथ नहीं देता है। आप कितने भी बच्चों को पालो, एक दिन ऐसा समय आएगा कि आपके बच्चे कहेंगे पिताजी मंदिर जाओ, बाहर जाओ। और बाहर जाके बैठोगे तो बाहर वाले बोलेंगे घर जाओ घर जाओ। तुम कहां जाओगे? तब भगवान तुम्हें गीत सुनाएगा, अगर तुम सुन सको तो। आज भी भगवान कहता है तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, दुखी जो हुए हृदय तोड़ दे, तब तुम्हें मेरे पास आना चाहिए, मेरा घर खुला है खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए।
जरूरत नहीं है, बहुत मिल जाएंगे तुम्हें चाहने वाले, बहुत मिल जाएंगे तुम्हें चाहने वाले। अभी तुमको मेरी तुम्हें जब डराने लगे, आईना जब तुम्हें डराने लगे, तब तुम्हें मेरे पास आना चाहिए, मेरा घर खुला है खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए, तब मेरे पास तुमको आना चाहिए, मेरा घर खुला है खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए। तड़पता हुआ तुम्हें कोई छोड़ दे, हृदय को तुम्हें जब कोई छोड़ दे, तब तुम्हें मेरे पास आना चाहिए, मेरा घर खुला है खुला ही ने गाया उसको प्रणाम। और भागवत में भी यही लिखा है साहब, सुखदेव जी कहते हैं राजन मेरे सामने देखो, मैं अगले जन्म में तोता था, भगवान शिव ने मां पार्वती को एक कथा सुनाई, मां पार्वती सो गई मगर मैंने इस कथा को सुना, आज तुम्हारे सामने बैठा हूं। बचपन में मैंने घर छोड़ दिया, ना मेरा कोई मां है ना कोई मेरा बाप, ना मेरे कोई आगे पीछे, तुम मेरे पीछे दीवाने मत बनना, मैं भगवान की कथा सुनाता हूं, भगवान के पीछे दीवाने बनो। आज देखते आप समाज में किसको गुरु कहे, किसको संत कहे, किसको पंडित कहे, आज किसी को पता नहीं साहब। शिव पुराण पढ़िए आपको पता चलेगा गुरु किसको कहते हैं, संत किसको कहते हैं, बाबा किसको कहते हैं, पंडित किसको कहते हैं। शिव पुराण पढ़िए साहब, एक ध्यान से पढ़ोगे आपको पता चलेगा गुरु किसको बोलते हैं, गुरु में क्या गुण होता है, गुरु किसको कहना चाहिए। गुरु तो बनाना पड़ेगा साहब। आप जो देख रहे हैं सुन रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि तुम गुरु को छोड़ दो, सब ऐसे नहीं होते साहब। तुम्हारे चार बच्चे हैं, चार बच्चे में सब अच्छे नहीं होते साहब, सब बुरे भी नहीं होते, ये तो समाज इतनी बड़ी दुनिया है। मगर तुम अपने धर्म का नाश मत करो, अगर कोई ने गलती किया उसका सब कुछ ले लो हटा दो, मगर अपने धर्म की धजिया मत उड़ाओ साहब। तालाब में एक मछली खराब हो जाए उसका मतलब पूरा तालाब खराब नहीं हो सकता है, समाज में एक आदमी एक व्यक्ति खराब हो जाए तो व्यक्ति को बोलो साहब, सारे समाज को छींटे मत उड़ाओ। इसलिए भगवान शिव कहते देवी गुरु बीन भव निधि चाहे ब्रह्मा विष्णु शंकर सम हो, सकल पदार्थ है जग माई, ओ करम ही न नर ए गुरु बिन भव निधि गुरुदेव कहते थे बेटे जगत में जितनी स्त्री तुम्हारी माँ है बहन है बेटी है उनसे दूर रहना, प्रणाम करो, ऐसे जीवन जीओगे तो ये संसार तुम्हारा है, तुम्हारे आगे पीछे हो जाएगा।
कदाश आपको गुरु की जरूरत नहीं होती होगी, हमको गुरु की बहुत जरूरत पड़ेगी साहब। अगर हमको गुरुदेव नहीं मिलते तो हम भी कहीं गटर के कीड़े की तरह भटकते होते। गुरु बिना कोई भी आधार नहीं। अगर गुरु ना मिले तो हनुमान जी को कहो जय 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 हनुमान गोसाई, करो गुरु देव तिनाई, ओ कृपा करो गुरु देव तिनाई। भगवान शिव कहते देवी वो मेरे मंदिर में आ गए। पहले मूर्तियां नहीं थी साहब, सारे विश्व में एक ही शिवालय था, मंदिर भी नहीं। मंदिर उसको करते जहां मूर्ति हो। मंदिर एक अलग चीज है, शिव एक अलग चीज है। जहां शिवलिंग होती उसको शिवालय कहते हैं, और जहां मूर्ति होती उसको मंदिर कहते हैं। शिवालय में ताला नहीं लगता है, पाठ नहीं होता है, कभी भी जाओ। एक ऐसा भोलानाथ है कि तुम जब भी चाहे पूजा कर सकते हो, चाहे कोई स्त्री हो पुरुष हो कैसा भी हो। सुबह में करो, दोपहर में करो, रात को करो। रात को 12 बजे भी आप भगवान को जल चढ़ा सकते, शिव मंदिर में जा सकते, 3 बजे जा सकते, 4 बजे, कभी भी 24 घंटा। महादेव ऐसा उदार एक देव है, उनके अंदर कोई कपट नहीं है। कोई भी आ जाए, मर जल्दी कोई जाता भी नहीं है साहब। देखो ये शिव कथा है, पहली बार हुई। यहाँ के आयोजक भाइयों ने कितनी मेहनत की साहब, 10-10 बार लोगों के घर में गए, मर लोगों को पास समय नहीं है। उससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है साहब। भागवत कथा आपने बहुत सुनी, राम कथा बहुत सुनी, मैं किसी कथा का विरोधी नहीं हूं, मर शिव कथा जब इस जीवात्मा को सुनने मिलती है, जब हमारे पितरों का बहुत पुण्य का उदय हुआ हो या हमारा कल्याण होने वाला हो, तब ये कथा मिलती। कैसा भी पापी हो, इस शिव कथा में कितना भी दुराचारी हो उसका भी जीवन सफल होता है। इसलिए उस ब्राह्मण के बच्चे ने शिवरात्रि का दिन था, उस मंदिर में गया, बड़ी भूख लगी है, रात भर कीर्तन चल रहा, लोग सो गए, वो मंदिर के अंदर गया प्रसाद लेने के लिए, तो जो जोत जल रही थी वो बुझने वाली थी। उसने अपने कपड़े से फाड़ कर उसको जोत बनाई, प्रकाश हुआ, फल फूल लेने गया तो पता चला ओहो मैं तो मंदिर में आ गया। भगवान शिव के सामने खड़ा हो गया, बहुत रोया, मैंने अपने माता पिता को दुभाया, अपना धर्म छोड़ दिया, मैंने इतने पाप किए, हे महादेव मैं आपके शरण में आया हूं। इतने में कोने में से एक बूढ़ा आदमी रोता रोता भगवान की प्रार्थना करता था, भोले की दरबार में कोई खाली हाथ नहीं जाता है, भोले के दरबार सब गाइए मेरे साथ, खाली हाथ नहीं जाता जिसके जितना जिसने कर्म किया है इतना उसको देते हैं। गाइए बोलो, बोले ताली की सेवा कीजिए, आपको नींद ना आवे, आपके अंदर खराब विचार ना आवे, ताली बजाइए। मैं माला करूं आप ताली बजाइए।